बहुत ऐसा भी नहीं है कि केक वॉक है तमाम दूसरी पार्टियों के लिए, खासतौर पे कांग्रेस के लिए। फाइट तो बहुत ज्यादा कड़ी है, मतलब लोगों ने नकारा हो लेकिन इतना भी नकारा नहीं है। प्रतिमा जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है कि फाइट बहुत क्लोज है और बहुत कम जो लोग ढाई ढाई लाख, तीन तीन लाख, चार चार लाख के मार्जिन से चुनाव जीतते थे, आज वो 10,000, 20,000 और 30,000 वोटों के डिफरेंस पे आकर खड़े हो गए हैं। फाइट क्लोज है, हमारे जितने भी प्रत्याशी थे बहुत अच्छा चुनाव लड़े, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, जिसके लिए वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और ये इस बात का भी संकेत है कि आने वाला जो समय, जो हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हैं, लोग कांग्रेस का मन बना चुके हैं और कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनाएंगे। जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, चाहे वो रोहतक की बात करें, चाहे सिरसा की बात करें, चाहे अम्बाला की बात करें, गुड़गांवा जहां लोग चार चार लाख वोटों से जीता करते थे, 3:30 की रात घर जाके सो जाया करते थे कि मैं गुड़गांवा तो जीती हुई सीट है, तो गुड़गांव में अगर हम 8-10 राउंड तक भी आगे चल रहे हैं तो इसका मतलब लोगों का जो मत है। और दूसरा, सरकार ने जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने शासन का बड़ा दुरुपयोग किया है, उन्होंने सरकारी तंत्र का बड़ा दुरुपयोग किया है, और जितना पैसा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट और मीडिया पे लगाया है वो पूरे देश की और प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन उसके बाद भी हम बड़ी मजबूती से चुनाव, आपने सोचा था कि राजबब्बर इतनी बढ़िया फाइट देंगे गुरुग्राम से? जवाब लूंगी आपसे, लेकिन एक बड़ी खबर फिलहाल आ रही है, रुक उस बड़ी खबर का सीधे कर लेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें लगातार हरियाणा न्यूज पर आप सबसे सटीक नतीजे देख रहे हैं। रोहतक लोकसभा सीट से ये बड़ी खबर, जहां पर एक बड़ी जीत की तरफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त रोहतक लोकसभा सीट से आपको बता रहे हैं, जहां पर साफ तौर पे एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 2,50,053 वोटों के साथ बड़ी जीत की तरफ, जहां 1,00,000 से जीतने की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही थी कि अरविंद शर्मा 1,00,000 से जीतेंगे, तो वहीं अब देखिए आप कितनी बड़ी लीड दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यहां मिलती हुई नजर आ रही है। कोसली से उम्मीदें बहुत थी बीजेपी को, तो क्या कोसली की जनता ने भी उम्मीदों पर पानी फेर दिया बीजेपी की, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस तमाम इन मसलों पर हम चर्चा करेंगे, कहां कितनी लीड हुई, कहां पे क्या प्रॉब्लम्स और क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, किन फैक्टर्स को लेके, लेकिन 2,50,053 वोटों के साथ एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो एक सीट, हालांकि जब कुछ देर पहले स्टूडियो में मैं चर्चा कर रही थी इसको लेकर, तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से बातें की जा रही थी, सवाल उठाए जा रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता से मैंने पूछा कि आप मान रहे हैं कि सिरसा और रोहतक आप लोग हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दबी जबान में एडमिट तो पहले ही कर लिया था कि हाँ हार रहे हैं, लोगों का मैंडेट है, मानना पड़ेगा, लेकिन 2,50,053 वोट्स के अंतर के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़े मार्जिन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अरविंद शर्मा के लिए ये मार्जिन क्रॉस कर पाना, ये मार्जिन को पार कर पाना बेहद मुश्किल, नामुमकिन सा लग रहा है, और इसीलिए ये कह रहे हैं हम कि एक बड़ी जीत की तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो रोहतक लोकसभा सीट मुकाबला हालांकि कड़ा है, 5-5 की टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बीच पे देखने को मिल रही है, लेकिन रोहतक में एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। कुरुक्षेत्र में 13,927 वोटों से बीजेपी के नवीन जिंदल जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो देखिए कितना कम मार्जिन है ये, हालांकि इससे पहले तो बहुत ही कम था। सोनीपत में सतपाल धर्मशाही 6,530 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये मार्जिन हरियाणा की अगर बात की जाए तो तकरीबन लाखों में ही था हर सीट पर। सोनीपत को छोड़ दिया जाए तो अरविंद शर्मा जो है वो 7,503 वोटों से जीते थे, लेकिन अभी अरविंद शर्मा को कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है, दीपेंद्र हुड्डा कितने आगे निकल चुके ये लगातार आपको दिखा रहे हैं। ,48,413 वोटों के साथ बड़ी जीत की तरफ कुमारी शैलजा भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दो सीटें जहां पे जबरदस्त डिफरेंस के साथ, जबरदस्त मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे बढ़ते हुए दिल्ली जाने की पूरी तैयारी में और एक बड़ी लीड लेकर। आप देखिए
हरियाणा की दूसरी सीटों की अगर बात कर ली जाए, करनाल को छोड़ दिया जाए या फरीदाबाद को छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा जितनी भी सीटें हैं मार्जिन बेहद कम है, मात्र कुछ हजारों में ही है। और ऐसे में क्या कुछ रहेगा, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। इसीलिए इंतजार भी लंबा करना पड़ रहा है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग जारी है और इस वक्त अगर समय की बात कर ली जाए तो तकरीबन 3:05 का समय हो चुका है और अभी तक भी क्लैरिटी हालांकि नहीं मिली है कि जीत कौन रहा है, लेकिन एक बड़े मार्जिन में साफ तौर पर हम देख रहे हैं रोहतक और सिरसा। डेफिनेटली इस मार्जिन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोटर्स के मन में क्या है और क्या वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे इन तमाम चीजों से बहुत साफ संदेश मिलते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। मनीष खटाना जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। 2 सीटें तो मान लें जीत जाएंगे आप। प्रतिमा जी, 2 नहीं, हम कम से कम 4 और 6 के बीच में रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल। और ये बात मैं कल भी आपके हरियाणा न्यूज पे बैठा था। सबसे बड़ी बात तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि हरियाणा न्यूज बहुत बेबाक तरीके से बात रखने का हमें मौका देता है। बहुत से मीडिया हाउस शायद उस चीज को नजरअंदाज करते हैं, बहुत सी चीजें काट भी देते हैं। तो जो आप राजबब्बर जी के बारे में आपका सवाल था कि क्या लग रहा है, तो राजबब्बर जी को, तो राजबब्बर जी के बारे में गुड़गांव के लोगों को थोड़ा सा कम पता था। उसका रीजन ये था कि कुछ जो बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लोग थे, जितनी इनकी इवेंट मैनेजमेंट और जितने भी इनका मैनेजमेंट का सिस्टम था, उन्होंने कहा जी भारी है अभिनेता है। तो लोगों को ये मालूम नहीं था कि राज बब्बर जी 5 बार के सांसद हैं। 3 बार वो लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, यूपी जैसे बहुत बड़े प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, संगठन में काम भी किया। और राज बब्बर जी, मैं ये मानता हूं, मैं उनके चुनाव में बहुत नजदीक से मैंने उनका, क्योंकि मैं गुड़गांव रहता हूं, बड़े नजदीक से मैंने उनका चुनाव भी देखा। चुनाव में जो हमारे से बना हमने वो भी किया। जिस गली से राज बब्बर जी निकले, जिस एरिया में राज बब्बर जी गए, जिस गांव में गए, जहां भी उन्होंने रैली करी और जितने लोगों से उनका संवाद हो पाया, मैं मानता हूं कि 95% लोगों ने अपना आशीर्वाद मत रूपी उनको दिया। जब उन्होंने क्योंकि जितने सौम्य तरीके से वो बात करते, उन्होंने एक ही बात कही कि मैं यहां काम करने आया हूं, मेरे को एक मौका मिलना चाहिए और अगर मेरे बारे में जानना है तो मैं आगरा में आपके पास है, आगरा के बहुत सारे लोग गुड़गांव भी रहते हैं, नौकरी भी करते हैं, किसी की रिश्तेदारी है, आप मेरा वहां से रिपोर्ट। तो ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट रहा कि आप बीजेपी की उस स्ट्रैटेजी के सामने नहीं खड़े हो पाए, जहां पर राजबब्बर को भारी का टैग दे दिया गया, ये कह दिया गया कि ये यहां पर आकर क्या करेंगे, राव इंद्रजीत के सामने कुछ नहीं है, या फिर जो तमाम तरीके के नैरेटिव सेट किए गए, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे रही। देखिए, 2-3 चीजें, बिल्कुल आपकी बात जायज है, 2-3 चीजें जो उनके सामने था, एक भारी है, दूसरा अभिनेता है, ये तो जीत के चला जाएगा, जैसे बीजेपी में स्टार प्रचारक जीत के अपने घर सो जाते हैं, तो वो 2-3 चीजें लोगों के दिमाग में थी। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज थी कि हमारे पास गुड़गांव में उनके पास समय बहुत कम था। उस समय में जितने, मैंने कहा कि जितने लोगों के पास वो जा पाए, जिस गली में गए, जिस गांव में गए, जिस मोहल्ले में गए, जिस विधानसभा में गए, और जितनी रैली में, और जितनी लोगों को वो अपनी बात को कन्वे कर पाए, क्योंकि मेरे ख्याल से कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर बात करती है कि मैंने ये काम भूतकाल में किया है और भविष्य में मैं ये काम करूंगा, और मेरे को मेरे काम के नाम पर, क्योंकि ये दूसरे बीजेपी तो देश हित की बात करती है, देश भावना की बात करती है, और जिन लोगों को चोर डकैत बताती है, आधे घंटे बाद उनको टिकट दे देती है, फिर वो देश हित देश भावना भूल जाती है। क्योंकि ये देश भावना वाले लोग जो है, ये सिर्फ बातें देश भावना की करते हैं, उसके अलावा इनका देश से और देश की भावना से इनका दूर दूर तक सरोकार नहीं। तो राज बब्बर जी को जो समय मिला, वो समय बहुत कम था, जितने लोगों में वो पहुंच पाए, जितने लोगों से उनकी बात हो पाई, बहुत बढ़िया, अद्भुत जो उनका जो साहस देखने को मिला। आप कह रहे बढ़िया उन्होंने किया और वो दिखाई भी दे रहा है कितना क्लोज, हालांकि सुबह से तो तमाम राउंड में आगे ही चल रहे थे। अभी हालांकि राव इंद्रजीत सिंह पिछले 1 घंटे से मुझे लगता है शाम तक होते जब तक राउंड पूरे हो गए। मनीष खटाना जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, और ज्यादातर सीट्स पे आप देखिए कि गुटबाजी है, आप भले ही मानिए ना मानिए, लेकिन वो है और वो सब जानते हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। गुरुग्राम में क्या वो फैक्टर काम किया? क्या गुरुग्राम में जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव की टिकट कटी, हालांकि वो खुलकर तो ये कहते रहे कि मैं साथ हूं और तमाम कार्यक्रम भी उन्होंने करवाए, हमने देखा कि चिरंजीव सिंह ने भी किस तरीके से कार्यक्रम और तमाम जो चुनाव अभियान की चीजें थी उसमें बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन गुरुग्राम की सीट, आपकी फरीदाबाद की सीट, सोनीपत की सीट, हम साफ तौर पे अगर बात कर लें हिसार की सीट, की तमाम कुछ ऐसी सीट्स थी जहां पे गुटबाजी को लेकर बहुत से सवाल थे और एक आता हावी है गुटबाजी। क्या लगता है वाकई में अगर एक साथ मिलकर लड़ते तो कम से कम इतनी क्लोज फाइट नहीं होती, थोड़ा सा बेटर होता? देखिए प्रतिमा जी,
चाहे गुड़गांव की सीट की बात कर लें, फरीदाबाद की सीट की बात कर लें, चाहे हिसार की सीट की बात कर लें, बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, और भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति को टिकट नहीं दे सकते। हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति को पार्टी में अपना लीडर मानता है, जिसके साथ वो चलता है। नहीं तो समझ पाए कि आप लोगों के नेता ये बात? नहीं नहीं, हमारे नेता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। और हरियाणा में जो आज आप देख रहे हो, जो आज आप सुबह से देख रहे हो और पूरा हरियाणा देख रहा है, ये सिर्फ हुड्डा साहब का कमाल है। ये हुड्डा साहब की नीति है कि जितनी बढ़िया टिकट उन्होंने बांटी, और जो लोग थोड़े बहुत, मैंने कहा ना, विरोध हर जगह होता है, ऐसा कहीं नहीं होता कि विरोध हर जगह होता है। थोड़ा बहुत कांग्रेस पार्टी में था, लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया, दो दिन या चार दिन के बाद उन लोगों ने पूरी पार्टी में पूरी जान के ताकत के साथ, चाहे वो अजय कप्तान साहब ने पहले दिखावे के लिए तो भले ही किया हो, करण दलाल साहब को देख लो, आप किरण चौधरी को देख लीजिए, दिखावे के लिए भले ही साथ हो लेकिन भीतर घात किया है। प्रतिमा जी, आप आपकी बात को आप देखिए, अजय कप्तान जी ने पहले टिकट के लिए मना कर दिया था। जब उन्होंने मना करा तो हाईकमान ने उसमें संज्ञान लिया, उसके बाद वो टिकट का मुझे नहीं लग रहा कि इतना वो था। हाँ, नाराजगी एक सीनियर अजय यादव जी कह रहे हैं मैंने मना किया था, तो बाद में लिख के भी दिया था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। देखिए, रेलगाड़ी ना एक बार स्टेशन के आगे आगे चली जाती है, फिर उसको पकड़ना बड़ा, जैसे अब लीड आगे चली जाती है, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अजय कप्तान साहब हमारे बहुत सम्मानजनक नेता है और बहुत वरिष्ठ नेता है पार्टी के। जब उन्होंने मना कर दिया तो पार्टी ने बहुत कुछ समझ के, बहुत पार्टी उस समय तक बहुत आगे पहुंच चुकी थी। और जब टिकट यहां पर जब आई गुड़गांव में, तो अजय कप्तान जी एक दो दिन जरूर नाराज रहे, लेकिन उसके बाद जो उनके विधायक पुत्र चिरंजीव राव है, उन्होंने रेवाड़ी के अंदर, और अजय कप्तान साहब ने बहुत बढ़िया रेवाड़ी के अंदर प्रोग्राम कराए, बहुत बढ़िया अपना आशीर्वाद समर्थन राजबब्बर साहब को दिया। उसका नतीजा और परिणाम यह है कि गुड़गांव में जो हम नेट टू नेट फाइट में आज हम खड़े हैं, जो व्यक्ति 4-4 लाख वोटों से जीतता था, जो व्यक्ति कहीं जाना ही मुनासिब नहीं समझता कि मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनके भाषण सुनोगे तो वो कहता है, कभी किसी भाषण में कहता है कि मैं पंजाबी हूं, कभी किसी भाषण में कहता है कि मेरे को तो गुड़गांव और रेवाड़ी वाले जिता देंगे, तुमने वोट देनी हो तो देख लेना। ये उस व्यक्ति की भाषा शैली है। तो और जो करण दलाल की जो बात कर रहे थे, अगर पलवल की बात करें तो पलवल से हम जीत कर निकल रहे हैं। तो करण दलाल जी, ठीक है, हर व्यक्ति को होता है। देखो, मैं टिकट मांग रहा हूँ, दूसरे व्यक्ति टिकट मांग रहे हैं, लेकिन भीतर घात किसी ने नहीं किया। आप कह रहे हैं कि सबने बढ़िया, अगर भीतर घात होता तो कांग्रेस इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करती, क्योंकि सभी हुड्डा साहब को नेता मानते हैं, सभी को पता है। हरियाणा में चुनाव जिस दिन से, किरण चौधरी भी मानते हैं हुड्डा साहब को नेता। देखिए, किरण चौधरी जी अपने आप में नेता है, वो किसको माने या ना माने, लेकिन अगर 90 हलके हैं हरियाणा के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि 80 से 85 हलके ऐसे होंगे जो हुड्डा साहब को नेता मानते हैं। और हुड्डा साहब के नीतियों तो मतलब कटारा साहब एसआरके वाले गुट को छोड़ दें, बाकी सब हुड्डा साहब को नेता मानते हैं, ऐसा समझ। कुछ लीडर अपने आप में इतने बड़े लीडर हैं, वो माने या ना माने, लेकिन हरियाणा की जनता हुड्डा साहब को लीडर मानती है। मैं उन्होंने इस बात को कह रहा हूँ, और ये उसका नतीजा है, ये उसका नतीजा। जब टिकटें बटी तो हरियाणा के लोगों को ये क्लियर हुआ कि ये हुड्डा साहब की टिकट है, और उसका ये क्लियर हुआ कि आज हम हर जगह फाइट कर रहे हैं। जो लोग 400 पार नारे की बात करते थे, जो लोग ये बात करते थे कि हम सुबह 8 बजे चुनाव जीत जाएंगे, जो लोग ये बात करते थे कि 9 बजे के बाद इनके बूथ पे कोई नहीं मिलेगा, आज 3 बज गए हैं, अभी तक उनकी क्लैरिटी नहीं आई। हमारे लोग 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। और जो मेरे भाई बार बार दीपेंद्र हुड्डा की बात करते थे, बहुत से लोग 2019 की बात करते हैं, तो मैंने हमेशा आपके टीवी पे एक बात कही है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब चुनाव हारे, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छल बल कपट से उनको चुनाव हराया, हर व्यक्ति ने, हरियाणा का, रोहतक लोकसभा का नहीं, हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी से था प्रतिमा जी, चाहे वो बीजेपी का था, चाहे वो बीएसपी का था, चाहे वो कांग्रेस का था, उसने एक ही बात कही कि यार ये गलत हुआ। एक बहुत शरीफ इंसान को आपने मारने का काम करा, ये बहुत गलत हुआ। तो हर व्यक्ति उस दिन हरियाणा का, मुझे नहीं लगता कि आधे से ज्यादा हरियाणा में लोगों ने अपने चूल्हे नहीं जलाए, आधे से ज्यादा महिलाओं की आंख में आंसू थे। हरियाणा का युवा उस समय वो था कि यार ये बहुत गलत हुआ। उसका आज परिणाम है कि उन लोगों ने आज अपना हिसाब पूरा करा, और जो मेरा भाई आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2.5 लाख वोटों से आगे चल रहा है, ये उसका परिणाम है। और 2014 में जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जब मोदी की आंधी चल रही थी, जब पूरे देश के अंदर, तो मोदी जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि जब मैं गुजरात से हवाई जहाज में निकला तो मैंने ऊपर से देखा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली कि मैंने कांग्रेस की सारी झंडी साफ कर दी। अगर कोई झंडी दिखाई दी तो रोहतक में एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा की झंडी दिखाई दी। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा
बीजेपी के निशाने पर था। तो मतलब ये रिजल्ट जो है सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत की वजह से है और उन्हीं के नाम पर है, आप ये कह रहे हैं। देखिए विपक्षी जितनी भी पार्टी है जो भी है आज हरियाणा के अंदर देश के अंदर, वो हमेशा एक ही बात, ये बात बहुत जोर शोर से कहते हैं कि आप बताइए कि जी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है। तो अगर हम ये बात करें कि चलो हमने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, तो अगर हरियाणा में अगर कहीं चुनाव हो रहा था, अगर हरियाणा का जवान कहीं वोट डाल रहा था, तो हरियाणा के जवान की लड़ाई किसने लड़ी, हरियाणा के किसान की लड़ाई किसने लड़ी, हरियाणा के महिला पहलवानों की लड़ाई किसने लड़ी, हरियाणा के कर्मचारी की लड़ाई किसने लड़ी, हरियाणा के पंच सरपंचों की लड़ाई किसने लड़ी। तो जो विपक्ष में जो नेता, जो सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिसमें अहिर रेजिमेंट की बात करी, जिसने महिलाओं के सम्मान की बात करी, पहलवानों की बात करी, तो ये उसका रिजल्ट है। ठीक है, रुकूंगी। एक बड़ी खबर, सोनीपत में कांटे का मुकाबला लगातार जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सोनीपत से जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है मोहनलाल बड़ौली और सतपाल रमचारी में। यहाँ पर भी बहुत ही क्लोज फाइट, बहुत ही जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल बड़ौली के बीच। सुबह से ही आप देखिए कितना नजदीकी मामला है, कितना नजदीकी ये चुनाव है और ये चुनाव कौन जीतता है, ये सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर कोई जिसका जवाब तलाशना चाहता है, जिसके इंतजार में है। सतपाल ब्रह्मचारी 3782 वोटों से आगे चल रहे हैं, 3782 वोट से सतपाल ब्रह्मचारी आगे हैं। सोनीपत की ये सीट, यहां पर भी लगातार हमने देखा किस तरीके से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दी गई तो बहुत से सवाल उठाए गए थे। ये कहा गया था कि ये सीट भी किसी बाहरी को दे दी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी मनमानी की, तमाम जो उम्मीदवार थे डिजर्विंग उनको निग्लेक्ट किया, सतपाल ब्रह्मचारी को कोई जानता नहीं, हरियाणा में कोई मानता नहीं, उनको टिकट जबरदस्ती लाके सोनीपत से दे रहे हैं, कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से सवाल उठे, आप लोगों ने सुने भी होंगे और चर्चाओं में शामिल भी हुए होंगे, लेकिन आज जब नतीजे आ रहे हैं तो आप देखिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्ट्रैटेजी आखिर क्या थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर ये कहा जाता है कि उन्होंने टिकट वितरण में साफ तौर पर अपनी मनमानी चलाई, तो उनकी मनमानी क्यों है, किस तरीके से थी, वो तमाम चीजें भी हम अपनी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर सोनीपत को लेकर आपको हमने बताई। बीजेपी के रंजीत चौटाला हिसार से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीछे चल रहे हैं। तो रंजीत चौटाला पीछे चल रहे हैं, यहां पर भी आगे पीछे की रेस चल रही है और इस दौड़ में फाइनल मुकाबले में एंड लाइन को क्रॉस करके जीतेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल। हिसार से कांग्रेस के जयप्रकाश काफी आगे फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो यहां पर भी सुबह से ही क्लोज फाइट थी, लेकिन अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है कि जयप्रकाश काफी आगे निकल चुके हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, 27,284 वोटों से आगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश उर्फ जेपी हिसार से नजर आ रहा है। रंजीत चौटाला वहां से पीछे हो चुके हैं और रिजल्ट लगातार जो रुझान है वो लगातार सामने आ रहे हैं और हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम आपको लगातार बता रहे हैं, लगातार रुझान दिखा रहे हैं। अभी तक एक भी सीट का रिजल्ट हरियाणा में नहीं आया है, वोटों की गिनती लगातार जारी है, लगातार काउंटिंग जारी है। सुबह 6 बजे से हरियाणा न्यूज पर आप पल पल की अपडेट देख रहे हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहले हिसार से भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं जयप्रकाश, हालांकि जो लीड है वो बढ़ गई है और रंजीत सिंह चौटाला मेजोरिटी ऑफ टाइम्स सुबह से आगे चल रहे थे, लेकिन अब जेपी भी आगे हैं, हालांकि वो भी लगातार आगे पीछे का गेम यहां पर भी देखने को मिल रहा था। 27,284 वोटों से आगे कांग्रेस के कैंडिडेट नजर आ रहे हैं।
तो लगातार आपको हम तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं चुनाव में, चुनाव के नतीजे किस तरीके से आ रहे हैं और टक्कर कितनी जबरदस्त देखने को मिल रही है। 5-5 का आंकड़ा फिलहाल टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हरियाणा को लेकर, और हरियाणा के मुकाबलों की अगर बात कर ली जाए तो बेहद मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तीसरी किसी पार्टी को कोई जगह नहीं, लोगों ने साफ तौर पर नकार दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जब चुनावी कैंपेन में जाते रहे तो ये कहते रहे कि वोट अपनी जेजेपी या फिर इनेलो को देकर बर्बाद मत कीजिए, मुकाबला दो पार्टियों के बीच में ही है और आप सोच लीजिए क्या करना है और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही अपना वोट आप डालिए। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ नेहा धवन जी हैं, जननायक जनता पार्टी से विभा पांडे जी हमारे साथ हैं और मनीष खटाना जी, निशांत जी और अमनदीप केसरी जी, तमाम गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े ही हुए हैं। नेहा जी, आपसे सवाल पूछूंगी सबसे पहले, तो मान लें कि वोटर्स ने साफ तौर पर वोट बर्बाद करने का जो पैटर्न था उसको फॉलो नहीं किया, उनको मालूम था कि मुकाबला किसके बीच में है और वोट उन्होंने उन दो कैंडिडेट्स को ही दी, किसी ने बीजेपी को तो किसी ने कांग्रेस को, किसी और की कंसिडरेशन बिल्कुल है ही नहीं। प्रतिमा जी, देखिए ये पैटर्न तो बिल्कुल आपने सही इसका आंकलन किया है कि बहुत दिनों से हम डिबेट में देखते आ रहे थे कि विपक्ष के चाहे INLD वाले हैं वो कांग्रेस को हमारी बी टीम बता रहे थे और कांग्रेस वाले जो हैं वो INLD को और JJP को हमारी बी टीम बता रहे थे। तो मुझे लगता है कि आज मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ विपक्ष के सभी लोगों से कि आप अब खुद बताइए कि कौन सी बी टीम थी BJP की। मुझे लगता है कि INLD और JJP ने कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम किया है। जो आज सिनेरियो समझ में आ रहा है वो BJP की बी टीम नहीं बल्कि कांग्रेस की बी टीम के रूप में INLD और JJP ने काम किया है। दूसरी बात देखिए प्रतिमा जी, मुझे लगता है, मैं सुबह भी आपके साथ डिबेट में थी जब शुरुआत हुई थी, रुझान आने शुरू हुए थे और मुझे अभी भी ये लगता है कि एक बार रोकूंगी आपको, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, एक बार रोकूंगी नेहा जी, एक बड़ी खबर इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त चंडीगढ़ से आ रही है जहां पर साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा मैसेज आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के लिए खुशखबरी आ रही है। बीजेपी के जो संजय टंडन है वो हार चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के मनीष तिवारी जीत चुके हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और साफ तौर पर ये एक जीत जो कांग्रेस पार्टी की झोली में जाते हुए, चंडीगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी चुनाव जीत चुके हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं यहां पर भी चंडीगढ़ सीट से बैकफुट पर है और चुनाव मैदान में हार का सामना करना पड़ा है। नेहा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। प्रतिमा जी, मैं यही कह रही थी कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र और सोनीपत की जो सीट हमारी है उस पे जो बहुत कम मार्जिन है, कभी हम आगे होते हैं कभी कांग्रेस आगे होती है, अल्टीमेटली लास्ट में मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि कुरुक्षेत्र और सोनीपत भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह की काउंटिंग अब होने वाली है या हो रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी समर्थक जो है वो बहुत ज्यादा है और इस चरण में जिन जिन जगहों की काउंटिंग हो रही है उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के समर्थक के लोग हैं। अच्छा, और अभी जहां तक हिसार की बात है तो मैं, मेरा लोकसभा क्षेत्र हिसार है तो मुझे यहां पर भी यकीन है कि कहीं ना कहीं चौधरी रंजीत सिंह जी बढ़त लेंगे और इस मार्जिन को जो है वो ओवरकम कर पाएंगे। जीत हमारी चाहे चंद वोटों से क्यों ना हो लेकिन हिसार भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है। अभी जो 5-5 नजर आ रहा है, क्या लगता है आपको नेहा जी, कितना होना चाहिए, कितना होगा ये 5-5 जो नजर आ रहा है टैली में, ये कितना होगा? मुझे लगता है 7 या 8 हमारी, मुझे लगता है 7 या 8 हमारे हमारे पास हमारे समर्थक। दो तो आपके हाथ से निकल ही गई है, दो तो आपके हाथ से निकल ही गई है, एक रोहतक और एक सिरसा। जी, 2 का मार्जिन तो देखिए आपको भी दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है और इसको तो स्वीकार करना ही उचित है। बिल्कुल, और जहां तक मुझे लगता है 7 और 8 सीटों पर जो है वो हम बढ़त कर लेंगे और इस पर जीत हासिल कर लेंगे। चलिए, तो कह रहे हैं कि ठीक है 8 तो कम से कम जीत जाएंगे, दो भले ही चली गई हूं, लेकिन हमारे साथ JJP की प्रवक्ता विभा पांडे जी भी हैं। क्या लगता है आपको, लोगों ने साफ तौर पे नकार दिया, कंसिडरेशन में ना INLD है
ना जीजेपी है, और सुबह हम देख रहे थे कि नोटा को भी ज्यादा वोट मिली आप दोनों ही पार्टियों से। सभी दर्शकों को नमस्कार। पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये लोकसभा इलेक्शंस हैं, अगर आप आम जनता से बात करेंगे तो हर कोई नेशनल पार्टी की बात कर रहा है। यहाँ जहाँ जहाँ नेशनल पार्टीज का प्रेजेंस है वहाँ रीजनल पार्टीज की कोई आप देखेंगे कि वोट बैंक इतना नहीं आ रहा, सब लोग नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट काटू बोलते दुष्यंत को, उनकी पार्टी को मान लें क्या, वोट काटू को लोगों ने वोट नहीं दी। आप अगर ये देखेंगे कि अभी नेहा धवन जी ने पहले बोला कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, जेजेपी बीजेपी की बी टीम है, आरोप लगाते हैं। वही कह रही हूँ, ये तो आरोप लगाने की बात है, ग्राउंड रियलिटी सबको दिख रही है कि किसने कितना काम किया। पर यहाँ लोकसभा में अगर आप गुड़गांव पर आप लोगों ने क्या किया, मैं तो ये पूछ रही हूँ। मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर आप लोकसभा का गुड़गांव का खाली एग्जांपल देख लीजिए, 20 साल से जो सांसद रहे राव इंद्रजीत जी, उन्होंने कहा मुझे 10 साल में मैंने काम नहीं किया, 5 साल और दे दो। आए ने अपने कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो राज बब्बर जी कभी गुड़गांव आए ही नहीं, उन्हें गुड़गांव के बारे में कुछ नहीं पता, और टक्कर उन दोनों के बीच में हो रही है। चुनाव लड़ा है, कितनी जबरदस्त टक्कर है। वही कह रही हूँ, तो काम के बेसिस पर नहीं हो रहा है, खाली नेशनल पार्टीज के बेसिस के ऊपर आ रहा है। लोगों को यही है कि अगर हम गुड़गांव से फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रीजनल पार्टी जेजेपी या एनएलडी को अगर वोट देते हैं और लोकसभा कैंडिडेट बनाते हैं, फाइनली उन्हें काम तो नेशनल पार्टीज के साथ ही करना पड़ेगा। इसलिए आम जनता, हमने डोर टू डोर भी जब किया था तो यही आ रहा था कि हम तो नेशनल पार्टीज की तरफ ज्यादा रुझान है हमारा, क्योंकि काम उन्होंने फाइनली करना है, आप उन्हीं के साथ एंड में काम करो। यही लोकसभा का चुनाव था जब 2014 में आप इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे, दुष्यंत चौटाला INLD से जीत कर ही सांसद बने थे, तब भी तो लोकसभा का ही चुनाव था, तब भी तो नेशनल ही मुद्दे थे। फिर मैंने आपको कहा था कि जैसे मैंने कहा जहां जहां नेशनल पार्टीज का प्रेजेंस ज्यादा है वहां रीजनल पार्टीज को वोट नहीं मिल रहे हैं। अभी 2014 से बिल्कुल अलग परिस्थितियां थी। बिल्कुल, तब हमने क्या करते थे, हमारा INLD जो भी पार्टी थी हमारी, तब बीजेपी को हम 17 सीट दे देते थे विधानसभा में, ठीक है। ऐसे करते करते बीजेपी को कम सीट जाती थी, बाद में डायनेमिक्स ऐसी हुई है कि बीजेपी जब पूरी नेशनल लेवल पर आ गई है, और आप एक और देख लीजिए ना, वो भी तो 400 पार का नारा कह रहे थे, मोदी जी ने भी बोल दिया, वो तो खाली हमने विपक्ष को भ्रमित करने के लिए नारा दिया था, वो तो विपक्ष उसी में घूमता रह गया। तो बहुत सारी बातें करने को की गई हैं, पर जनाधार जैसे जो जनता है वही डिसाइड करती है कि ये कैसे वोट जाएगा, बोलने के लिए हर कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता रहता है। वो तो डेफिनेटली करते हैं, लेकिन आप कोई आंकलन आप लोगों ने किया है या करेंगे कि ये क्या हुआ हमारे साथ? नहीं, या पहले से ऐसा कुछ था, नहीं था, हमने पहले कहा था ऐसी स्थिति होगी। जब मैं आपको पहले कह रही हूँ, हमने एक बार भी नहीं कहा था कि हम 10-10 जीतेंगे, हमने कहा था हम काम के बेसिस पर लेके जाएंगे। अगर आपने श्रीमती नैना